नमस्कार आप सभी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आज का एडिटोरियल है द हिंदू, पब्लिश है, लिखा किसने है, कृष्णा कुमार जी ने। ये जनरली एजुकेशन पर ही एडिटोरियल लिखते हैं। अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो या पर्सनली भी एडिटोरियल को फॉलो कर रहे हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो एजुकेशन द नेशंस एंड स्टेट, तो यहाँ पर जैसे आपने जीएसटी के मुद्दे पर अभी नेशन और जो केंद्र है इन दोनों के बिटवीन चीज़ों को देखा ही होगा, तो ये उसी ढांचे में करते हुए अपनी चीज़ों को रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। टूवर्ड द एंड ऑफ रिसेंट वेबिनार और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो अभी जब वेबिनार ख़त्म हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग, तो उसमें एक वो था अ रिसेंट रिटायर्ड सिविल सर्वेंट आस्क्ड अ क्वेश्चन। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन क्या था? रेफरिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशन एंड रोल इन एजुकेशन, वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित था और जो उनका रोल है स्टेट का और सेंटर का एजुकेशन में कितना परसेंट रहेगा उस रिगार्डिंग था। ही आस्क्ड वेदर द न्यू पॉलिसी गिव सेंटर अ प्रीडेटरी रोल, तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा कि क्या ये मतलब सीधी सी बात है एक प्रमुखता दे देगा क्या? प्रीडेटरी का वैसे मतलब होता है हिंसक होता है या किसी चीज़ पर लूट लेना किसी चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखो तो प्रीडेटरी रोल का यहाँ पर ये मतलब है कि क्या अपना सत्ता है जो केंद्र सरकार वो ज़्यादा बनाने जा रही है एजुकेशन में, और जो राज्य सरकार हैं उनके अधिकारों को क्या कम कर रही है क्या? द यूज़ ऑफ वर्ड प्रीडेटरी फेल्ट अ बिट शार्प इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक तीखा फील होता है एजुकेशन के टर्म में प्रीडेटरी वर्ड को यूज़ करना, बट इंटेंशन ऑब्वियसली वाज टू असर्टेन वेदर न्यू पॉलिसी ऑब्जर्व फेडरल कॉर्टेसी। लेकिन अगर बात करें तो ये इसका मतलब यही था कि जो फेडरल सामंजस्यता है उसको ऑब्जर्व किया है क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, ये बेसिक मीन था उस क्वेश्चन का। इवन 1986 पॉलिसी डिंट फुल्ली एक्नॉलेज द वैरायटी प्रिवेलिंग इन प्रोविंशियल प्रैक्टिसेस एंड लीगेसीज दो प्रैक्टिसेस आर रूटेड, तो यहाँ पर जो 1986 में भी जो पॉलिसी लाई गई थी उसने जो प्रोविंशियल जो या क्षेत्रीय तौर पर जो लोगों के रूटेड थी या जो जड़ बनी हुई थी एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। द ट्रेंड हैज़ बीन टू अज्यूम दैट नेशनल सिस्टम विल इवॉल्व द आयरन आउट प्रोविंशियल वेरिएशन, तो यहाँ पर ट्रेंड हैज़ बीन अज्यूम, तो जो ट्रेंड है वो अज्यूम हो रहा है कि दैट नेशनल एजुकेशन सिस्टम विल इवॉल्व एंड आयरन आउट प्रोविंशियल वेरिएशन, तो जो भी क्षेत्रीय एजुकेशन के रोल हैं या जो क्षेत्रीय भाषाएं कहो या क्षेत्रीय रहन सहन की चीज़ें कहो उनको क्या करेगी, प्रवेल करेगी या प्रबल करेगी। अभी तक तो यही एक ट्रेंड चल रहा है। फॉर एजुकेशन टू फुलफिल इट्स सोशल रोल इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक मिल्यू इन विच यंग आर ग्रोइंग अप, तो यहाँ पर जैसे अगर जब एजुकेशन सोशल या सामाजिक रोल जब प्ले करता है तो इसको स्पेशल रिस्पॉन्ड करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को कि जो यंग ग्रोइंग हो रहे हैं वो एक उस क्षेत्र को मतलब एक रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। इंडिया हैज सफिशियंट एक्सपीरियंस ऑफ अटेम्पिंग मेड फ्रॉम नेशनल लेवल टू इन्फ्लुएंस सिस्टमेटिक रियलिटीज ऑन ग्राउंड, तो यहाँ पर इंडिया के पास सफिशियंट एक्सपीरियंस है कि उन्होंने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं नेशनल लेवल पर मतलब केंद्रीय लेवल पर कि वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ जो सिस्टमेटिक रियलिटी हैं ग्राउंड पर। जैसे मान लो साउथ की बात करें तो वहाँ पर क्या है पर्सनल जो रीजनल लैंग्वेज है वो प्रबल है, ठीक है, तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए या और भी जगह कुछ और ऐसी चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए सेंटर ने समय समय पर प्रयास किए हैं। देर इज अ कंसिडरेबल हिस्ट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेड बाय नेशनल कमीशन एंड प्रोविंशियल रिकैल्सिट्रेंस, तो यहाँ पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिल जाएंगे कि जो रिकमेंड किया हो किसने नेशनल लेवल पर या नेशनल की जो कमेटी है उन्होंने, वो जो प्रोविंशियल रिकैल्सिट्रेंस मतलब एक अड़ियल रवैया अख्तियार किया हो प्रोविंशियल या राज्य सरकारों ने, तो ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे कि
केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई और राज्य सरकार ने एक अड़ियल रवैया अपनाते हुए अपनी कुछ अलग पॉलिसी बनाई। स्टेट है देयर ओन सोशल वर्ल्ड, स्टेट का अपना खुद का एक सामाजिक वो है, समाज है टू डील विथ, एंड दे ऑफन प्रेफर टू कैरी ऑन विथ द वे दे बिकम फेमिलियर विथ इन कॉलोनियल डे। और यहाँ पर वो उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो कॉलोनियल डे में था, या मतलब ब्रिटिश के शासनकाल में जो चीज़ थी, उसी चीज़ को प्रेफर करने करने का प्रयास करते हैं। अ प्राइम एग्जाम्पल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरमीडिएट और जूनियर कॉलेज इन सेवरल स्टेट्स मोर देन हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द कोठारी कमीशन गेव इट मच अक्लेम्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो कॉलोनियल के समय के जो इंटरमीडिएट कॉलेज थे और जो जूनियर कॉलेज थे, कई राज्य सरकारों ने उनको क्या कर रखा है, अभी भी कंटिन्यू कर रखा है, जबकि कोठारी कमीशन ने कई ऐसी अक्लमे मतलब एक घोषित रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशन के लिए लगभग आधी मतलब सेंचुरी हो चुकी है, फिर भी उन्होंने क्या अभी तक इन चीज़ को जारी कर रखा है। एवोल्यूशन इन द प्रोविंसेस, अब एवोल्यूशन क्या क्या हुए हैं प्रांतों में या राज्यों में, वो हिस्टोरिकली द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवॉल्व इन प्रोविंसेस, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से एवोल्यूशन हुआ है जो एजुकेशन सिस्टम का राज्य सरकारों में या राज्यों में। 100 ईयर एगो द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो 100 साल पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वॉज क्रिएटेड टू कोऑर्डिनेट रीजनल रिस्पॉन्सेज टू कॉमन इशू। तो यहाँ पर 100 साल पहले एक बोर्ड या कमेटी बना बोर्ड बनाया गया जो कि रीजनल इशू को क्या करे, रीजनल जो कॉमन इशू को है उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करे और चीज़ों को आगे फर्दर सॉल्व करे। द एडवाइजरी कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म मीन्स दैट बोर्ड सर्व मेनली एज डिस्कशन फोरम। तो इस बोर्ड का सीधी सी बात है मतलब ये था कि एक डिस्कशन फोरम अख्तियार करे सेंट्रल और राज्य सरकारों के बिटवीन, या उस समय जो प्रांत प्रांत थे प्रांत सरकारों के बिटवीन। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल ड्राफ्ट ट्रीटेड स्टेट एज द अप्रोप्रिएट स्पेयर फॉर डीलिंग विद एजुकेशन, और संविधान में भी एक जो स्टेट है उसके लिए एक प्रमुख स्थान दिया गया है कि वो एजुकेशन के जो स्पेयर है या एजुकेशन के बारे में एक अच्छे से डील कर सकता है अपने राज्य में। बट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्री, लेकिन दूसरी कंट्री या दूसरी फेडरल सिस्टम के विपरीत इंडिया चूज टू हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट सेंटर। इंडिया ने सेलेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर में, ना कि अलग अलग राज्य सरकारों में। इट्स रोल वाज नॉट मेयरली डेकोरेटिव और कन्फाइंड टू कोऑर्डिनेट अमंग डिफरिंग स्टेट पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर क्या है, इट्स रोल वाज, इसका रोल ये सिर्फ इतना नहीं था कि वो डेकोरेटिव कन्फाइंड कोऑर्डिनेशन हो अमंग अलग अलग स्टेटों के हितों को ध्यान में रखा जाए, मतलब इसका सिर्फ रोल इतना नहीं था कि ये सिर्फ उन जो राज्य सरकार हैं उनके हितों को क्या करे ध्यान में रखे, जैसा कि पहले एक 100 साल पहले जो एक डिस्कशन फोरम बना था उसने सिर्फ एक मंच प्रदान किया था कि आप बातें कर सकते हो, लेकिन इसका सिर्फ इतना अकेला रोल नहीं था, इससे इसका रेदर द सेंटर वाज एक्सपेक्टेड टू आर्टिकुलेट एम एंड स्टैंडर्ड और टू पेव द रोड नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सेंटर इस जो बोर्ड का था या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, इसका रोल ये भी था कि जो राष्ट्र के विकास और नेशन बिल्डिंग राष्ट्र के राष्ट्र को बनाने के लिए एक रोड बनाया जाए या रोड मैप बनाया जाए, इसका ये भी काम था। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस अ मोर सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब संवेदनशील स्पेयर ऑफ द सेंटर्स एक्टिविटी इन एजुकेशन इमर्ज इन शेप ऑफ एडवांस इंस्टीट्यूशन इन प्रोफेशनल फील्ड एंड स्कूल स्पेशली मीट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सिविल सर्वेंट्स ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर बाद में आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने स्पेशली जो ध्यान दिया कहाँ पर, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, और साथ ही साथ IAS के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल का निर्धारण करना, कि जैसे IAS लोगों का क्या होता है ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ऐसी चीज ऐसे विद्यालयों को बनाना जहाँ ट्रांसफ़र को बहुत ईजीली चीज़ों को सही किया जा सके। सच इंस्टीट्यूशन रिसीव हायर इन्वेस्टमेंट देन स्टेट कुड अफोर्ड। तो यहाँ पर जो ऐसे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने बनाए उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जो कि स्टेट अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे इतना। द सेम कैन बी सेट फॉर नेशनल लेवल रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन विच गाइडेड पॉलिसी एंड एनकरेज
encouraged new practice. और ये same हो सकता था set for national labor resource, और ये सेम अगर आप कहें तो इसी नेशनल लेवल जो रिसोर्सेज हैं इंस्टीट्यूशन के उनमें भी यही हो सकता था, जो विच गाइडेड पॉलिसी एंड एनकरेज न्यू प्रैक्टिस. तो जो बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि पॉलिसी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और समय समय पर गवर्नमेंट को सलाह भी देते हैं, जैसे IIM हो गए, ये सलाह देते हैं ना कभी कभी हमारी केंद्र सरकार को. दस कंकरेंसी वॉज ऑलरेडी अ रियलिटी बिफोर 1976. अमेंडमेंट फॉर्मली इंक्लूडेड इट इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर 1976 से पहले जो कंकरेंसी थी वो ऑलरेडी क्या थी, रियलिटी में थी, लेकिन 1976 में इसको एक फॉर्मल रूप दिया गया और इसको संविधान के इंक्लूड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. वॉट इज माइट मीन आफ्टर द इमरजेंसी वॉज एन ओपन क्वेश्चन. तो इसका मतलब क्या था, है ना, या क्या मतलब होना चाहिए था कि भाई जब इमरजेंसी एक प्रमुख क्वेश्चन के तौर पर उभर कर सामने आया था. डिकेड लेटर व्हेन इमरजेंसी से मतलब समझ रहा हो ना कि राज्य सरकारों का प्रभुत्व खत्म कर देना, दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी. तो जब आप ऐसा कंकरेंसी एजुकेशन सिस्टम में क्या कर रहे हो, आप स्टेट को भी भागीदारी को बना रहे हो और ये सब कर रहे हो, लेकिन एक तरफ आप इमरजेंसी लगा दे रहे हो, तो उस समय ये क्वेश्चन का क्या मतलब था, है ना, कि जब आप इमरजेंसी का एक प्रमुख क्वेश्चन था तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या मतलब निकाला जाए कि आपने 1976 में ऐसा किया. डिकेड लेटर व्हेन नेशनल पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड अंडर द यूथफुल लीडर. यूथफुल लीडर मतलब इनका मतलब कौन है, राजीव गांधी. तो 1986 में नई पॉलिसी बनी थी. तो इट एम्फसाइज नेशनल कंसर्न एंड पर्सपेक्टिव विदाउट स्पेसिफिकली रेफरिंग टू प्रोविंशियल प्रैक्टिस दैट इंडिकेटेड इन स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस. तो यहाँ पर जब 1986 की जो पॉलिसी लाई गई तो उसमें जो राज्य सरकारों को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, पूरे के पूरे जो पर्सपेक्टिव थे वो सेंट्रल आधारित ही थे, या जो भी चिंताएं थी वो सेंट्रल आधारित थी. एंगेजमेंट विद स्टेट रिमेंड अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो जो एंगेजमेंट है स्टेट का वो भी उसमें भी नहीं हो पाया. कहाँ पर, जो प्लानिंग कमीशन है वहाँ पर भी उनका एंगेजमेंट नहीं हो पाया. ठीक है, इन द मीन टाइम अ बार्गेनिंग प्राइवेट सेक्टर हैड बिगन टू पुश बोथ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉपुलर परसेप्शन ऑफ एजुकेशन. और उसी समय वर्धनिंग मतलब तेजी से बढ़ते हुए प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट कर चुका था कि जो पब्लिक पॉलिसी और पॉपुलर परसेप्शन ऑफ एजुकेशन को बदलना स्टार्ट कर दिया था. क्योंकि आप वर्तमान में आप क्या प्राइवेट एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो देते हो कंपेयर टू पब्लिक एजुकेशन. ट्वेल्थ तक की बात करें या जो हायर सेकेंडरी तक बात करें तो उसमें तो आप प्राइवेट को ही महत्व देते हो. द फोर्स ऑफ दिस पुश कैन बी मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन द 1986 पॉलिसी एंड इट ऑन एक्शन प्रोग्राम पब्लिसाइज्ड 6 ईयर लेटर. और इस चीज़ के जो पुश को है वो मेजर्ड किया गया कब, मतलब पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी को अलग अलग बनाया गया 1986 की पॉलिसी में. ठीक है, एंड इट्स ऑन एक्शन प्रोग्राम पब्लिश्ड 6 ईयर लेटर. और ये उनका जो 6 साल बाद इस चीज़ को प्रोग्राम को पब्लिश किया गया. थ्रू आउट द 1990s दोज इन चार्ज ऑफ एजुकेशन रिमेन हेजिटेंट टू एक्सप्लेन पब्लिकली हाउ एग्जैक्टली लिबरलाइजेशन वुड अप्लाई टू दिस ट्रेडिशनली पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर जो उस समय के हेड थे वो हेजिटेट हो रहे थे कि लिबरलाइजेशन या उदारतावाद कैसे अप्लाई करें, जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं राज्य सरकारों से या अलग अलग ट्रेडिशन है परंपराएं हैं उसके बीच में. द रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड ग्लोबलाइजेशन अर्बन मिडिल क्लास हैड ऑलरेडी बिगिन टू सीसेडेड फ्रॉम द पब्लिक सिस्टम पोजिंग द ऑकवर्ड क्वेश्चन ऑफ वाई एजुकेशन कैन नॉट बी सोल्ड इफ देयर आर बिलिंग टू बायर. तो यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन के समय रैपिडली अर्बन मिडिल क्लास का उदय हुआ या बढ़ रहे थे कंटिन्यू, तो उन्होंने ये कहा सीसेड मतलब क्या होना, बिगिन टू सीसेड मतलब अलग हो रहे थे किससे, पब्लिक सिस्टम से या जो आप सरकारी स्कूल वाले सिस्टम से. और उन्होंने एक क्वेश्चन खड़ा किया क्यों ना मतलब सिस्टम एजुकेशन को आप अच्छा प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाया जाए जब वहाँ पर खरीदने वाले खड़े हों या उतना पे करने वाले खड़े हों. सिस्टमेटिक चाओस ग्रो लीविंग द पॉलिसी बिहाइंड. और सिस्टोमेटिक चाव क्या हुआ, बढ़ा और पॉलिसी बिहाइंड पीछे छूट गई. अब 3 सिस्टम कौन कौन से हैं, इंडिया नाउ हैज 3 सिस्टम, टू कॉल देम सेक्टर्स वुड बी
एंड अंडर स्टेट में। तो यहाँ पर तीन सेक्टर हैं, कौन कौन से, एक CBSE बोर्ड हो गया, राज्य सरकार बोर्ड हो गया, और एक ISC बोर्ड हो गया इंटरनेशनल लेवल वाला, ठीक है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज अ सेंट्रल सिस्टम रनिंग एन एक्स्ट्रा बोर्ड एग्जाम बोर्ड दैट हैज एन ऑल इंडिया रीच थ्रू एफिलिएशन विद इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल कैटरिंग टू रीजनल एलीट। तो यहाँ पर एक केंद्र सरकार द्वारा एक बोर्ड चलाया जाता है जो रीजनल लेवल पर जो एलीट लोग हैं या जो बड़े लोग हैं उनको क्या कर रहा है, कैटरिंग कर रहा है या उनको सेवा दे रहा है। टू स्कूल चेन रन बाय द सेंट्रल आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, दो स्कूल चेन जो चल रही हैं वो पार्ट हैं इस चीज़ की, इस सिस्टम की। द सेंट्रल सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड एडवांस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज दैट हैव एक्सेस ग्रेटर पर इनकम्टा फंडिंग देन व्हाट देयर काउंटर पार्ट रन बाय स्टेट कैन अफोर्ड। तो यहाँ पर सेंट्रल सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड, सेंटर के सिस्टम ने उसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी चला रहा है और यूनिवर्सिटी भी चला रहा है, तो वो क्या बहुत ही पार्ट बन रहे हैं आज की डेट में, पर कैपिटा इनकम में अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि जो स्टेट रन बाय द स्टेट कैन अफोर्ड। तो यहाँ पर जो स्टेट सरकारें जो चला रही हैं उनके कंपेरिजन में वो ज़्यादा योगदान दे रहे हैं और स्टेट के रन बाय द स्टेट कैन अफोर्ड, ठीक है, काउंटर पार्ट यहाँ पर स्टेट और राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार हो गई। दीज लेटर वंस बिलोंग्स टू द सेकेंड सिस्टम विच ऑल्सो फीचर्ड प्रोविंशियल सेकेंडरी बोर्ड एफिलिएटिंग स्कूल टीचिंग इन स्टेट लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक दूसरा बोर्ड चल रहा है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, जो राज्य की भाषाओं में ही चलता है, ठीक है। द थर्ड सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्योरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा जो सिस्टम है पूरा का पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है। इंटरनेशनली एक्रेडिटेड स्कूल बोर्ड एंड ग्लोबली कनेक्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर पार्ट ऑफ दिस थर्ड सिस्टम। और ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड लेवल पर, और जो वर्ल्ड लेवल पर जो एक बोर्ड है वो इन सब चीज़ों को क्या करता है, पार्ट है इनका या ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट अ न्यू लेवल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्टेट नॉर्म, और ये जो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नए लेवल की आज़ादी इन सभी स्टेट नॉर्म्स के अंतर्गत। An explicit attempt was made under the Right to Education Act to bridge the first two system. तो यहाँ पर एक स्पष्ट अटैम्प्ट या explicit attempt made बनाया गया Right to Education के थ्रू जो ब्रिज किया first two system, ठीक है, पहले जो दो सिस्टम है उनके बिटवीन ब्रिज का काम किया। The RTE is a parliamentary law. RTE जो था वो parliamentary law था, providing a set of standard for elementary education. तो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन या टर्म कंडीशन प्रोवाइड की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंतर्गत, एंड कॉल टू प्राइवेट स्कूल टू प्रोवाइड फॉर सोशल जस्टिस वाया कोटा रूट। तो यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी उसमें रूल बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि आप कोटा रूट के थ्रू सोशल जस्टिस के लिए आप गरीबों को भी उसमें एंट्री दो। इन हायर एजुकेशन सच एन अटेम्प्ट टू बैलेंस्ड प्राइवेट ऑटोनॉमी विद एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस येट टू बी मेड इन एनी पल्पेबल सेंस। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात करें तो सच एन अटेम्प्ट टू बैलेंस प्राइवेट ऑटोनॉमी विथ एन ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर प्राइवेट की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और जो आपके ऑब्लिगेशन है वो भी फुलफिल होते रहे कि सोशल जस्टिस भी फुलफिल हो, ये टू बी मेड इन एनी पल्पेबल सेंस। अभी ये देखना बाकी है कि ये पल्पेबल सेंस बनाएगा इस चीज़ में, मतलब हायर एजुकेशन में। Accredited norm and recognition procedure create imbalance of the public accountability. तो यहाँ पर जो rules regulation को बनाना एक प्रकार से यही दिखाई देता है कि आप publicly क्या हो, जिम्मेदार हो, या public के प्रति जिम्मेदारी का भाव प्रदर्शित होता है। Coordination among the three system has provided unmanageable. तो यहाँ पर जो coordination है तीनों system के between proved unmanageable. तो उसने sorry provide नहीं रहा वो प्रूव्ड अनमैनेजेबल था, इवन इन प्योरली फंक्शनल टर्म, चाहे वो फंक्शनल टर्म के रिगार्डिंग भी हो, तीनों को मैनेज करना नहीं, मतलब अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया। द लीस्ट वी माइट एक्सपेक्ट वुड बी अ रिलायबल मैकेनिज्म टू रिकनसाइल द मार्किंग स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। और कम से कम हम कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन तो बना ही दें कि जो कोऑर्डिनेशन हो पाए जो भी स्टैंडर्ड हैं उनके बिटवीन, तीनों ही बोर्ड के प्रति या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रति, मतलब तीनों यूनिवर्सिटी जो भी थ्री सिस्टम बनाए उनके बिटवीन कुछ
ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें कि कोऑपरेशन हो जाए उनके बिटवीन। फॉर हॉर्डर इज द कोऑर्डिनेशन रिक्वायर एडेरेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक चेंज। तो यहाँ पर जब आर्थिक रूप से एकदम चेंजिंग आ रही है तो उसमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको महत्वपूर्ण दर्जा मिले और उनको ताक पर ना रखा जाए कोऑर्डिनेशन के लिए। इनइक्वलिटी है बिकम शार्पर विथ राइज इन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। और जैसे जैसे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है उसी के साथ जो इनइक्वलिटी है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एजुकेशन मस्ट मीडिएट बिटवीन डिफरेंट सोशल स्ट्राटा डिवाइडेड बाय द कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है मस्ट मीडिएट, उसको मीडिएट करना चाहिए उन सभी स्ट्राटा मतलब कहलाता स्तरों में, ठीक है, स्तर जो डिवाइड है कास्ट के बेस पे, आर्थिक आधार पर के बेस पे, तो उन सब के बिटवीन एजुकेशन को एक ब्रिज का काम करना चाहिए। द रिसेंट अटेम्प्ट मेड बाय द तमिलनाडु टू क्रिएट मॉडेस्ट कोटा इन नीट फॉर स्टूडेंट हु अटेंडेड गवर्नमेंट स्कूल पॉइंट टूवर्ड एन एंडेमिक प्रॉब्लम एग्जर्बेट बाय द सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर एक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि नीट में जो उनका कोटा है राज्य सरकारों का, उसमें उन्होंने जो वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं तमिलनाडु के, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं। और ये एक डिसीजन है कि जो सेंट्रल ने क्या कर दिया था, एंडेमिक प्रॉब्लम बना दी थी। एंडेमिक मतलब एक क्षेत्रीय प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी कि नीट के थ्रू कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी राज्य में एडमिशन ले सकता है, किसी भी राज्य के व्यक्ति। तो उन्होंने कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को जो सेंट्रल ने उनके ऊपर थोप दी थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर क्या है सोशल विजन क्या है भाई, द न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट अंडर एस्टिमेट द प्रॉब्लम ऑफ रिकनसाइलिंग का होता मतलब समाधान, ठीक है। डॉक्यूमेंट अंडर एस्टिमेट द प्रॉब्लम ऑफ रिकनसाइलिंग द थ्री सिस्टम, ठीक है। तो जितनी भी जो प्रॉब्लम है तीनों सिस्टम की उनका समाधान करने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट, द आर्किटेक्ट ऑफ मैनी ऑफ अवर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन द लेट जेपी नायक यूज्ड टू से दैट वी मस्ट आस्क व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी वी वांट बिफोर वी ड्राफ्ट अ पॉलिसी इन एजुकेशन। तो उन्होंने जो जेपी नायक थे उन्होंने यही कहा कि जब हम पॉलिसी बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस प्रकार के हमें नागरिक बनाना चाहते हैं और हमें कैसे नागरिक बनाने हैं, उस हिसाब से हम पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम फिलोसॉफिकल क्वेश्चन वी ऑल्सो नीड टू सिस्टमेटिक विजन। तो इन सभी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के साथ साथ हमें एक सिस्टमेटिक विजन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बोथ फॉर रिकवरी फॉर इंस्टीट्यूशनल डिके मतलब बहुत अच्छा है एंड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, दोनों ही चीज़ों को कि जो इंस्टीट्यूशनल क्षय हुआ है उसको भी और बाद में वो चीज़ें प्रोग्रेस करें उस चीज़ के लिए भी ध्यान में रखना चाहिए। फंक्शनल यूनिफॉर्मिटी इज अनलाइकली टू ऑफर एनी रियल सॉल्यूशन। जो फंक्शनल यूनिफॉर्मिटी है इज अनलाइकली टू ऑफर एनी रियल सॉल्यूशन। ये बहुत ही मुश्किल है कि एक रियल सॉल्यूशन ला के देगी अगर फंक्शनल आपने यूनिफॉर्मिटी कर दी। दैट इज वॉट न्यू पॉलिसी सीम्स टू फेवर। और यही जो है कि मतलब नई पॉलिसी वो क्या लग रही है कि इस मसले पर फेवर कर रही है या इस मसले का समाधान ढूंढ रही है। इन हायर एजुकेशन इट प्रपोज नेशनली कोडिफाइड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टू ओवरसीज इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द स्टेट कैपिटल एंड डिस्ट्रिक्ट टाउन। और हायर एजुकेशन की बात करें तो इट प्रपोज नेशनली कोडिफाइड मतलब जो नेशनल लेवल पर जो कंसर्न है उनको ध्यान में रखते हुए, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टू ओवरसीज इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द स्टेट कैपिटल एंड डिस्ट्रिक्ट टाउन। तो यहाँ पर जो है जो मतलब हायर एजुकेशन में उसमें राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए कि जो वहाँ के लोग निकलेंगे वो राष्ट्र में ये ग्लोबली किस हिसाब से काम करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। द अजम्पशन इज दैट ओल्ड स्ट्रक्चर विल मेल्ट लाइक वैक्स। तो यहाँ पर अजम्पशन ये है कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो मेल्ट हो जाएगा जैसे कि मोमबत्ती मेल्ट होती है अंडर हीट ऑफ एम्पावर्ड विजन, जो एम्पावर्ड विजन है उसकी हीट के प्रभाव से। द आइडिया ऑफ मोनोलिथिक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर टू कंट्रोल अ सिस्टम दैट इज प्राइवेटाइजिंग एट अ रैपिड पेस सजेस्ट टेम्प्टिंग इम्पल्स रेदर देन कंसिडर्ड प्लान। तो यहाँ पर जो आइडिया है कि भाई एक ही रेगुलेटरी चीज़ों को क्या करेगी, आर्किटेक्ट करेगी या मैनेज करेगी सिस्टम दैट इज
privatizing at a rapid pace. Suggest tempting impulse. तो यहाँ पर सजेस्ट कर रही है एक टेम्पटिंग इम्पल्स रेदर देन कंसिडर्ड प्लान, बजाय इसके कि वो एक कंसिडर्ड या ध्यान में रखा हुआ एक प्लान बनाया गया है उस चीज़ को, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्राइवेट लोगों का एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर कुड प्ले अ वाइटल रोल. ठीक है, सफिशियंट इंडिकेशन हैज एग्जिस्टेड फॉर मैनी ईयर नाउ दैट इकोनॉमिक पॉलिसी फेवर ग्रेटर प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन हायर एजुकेशन. तो यहाँ पर बहुत सी एजुकेशन एग्जिस्ट इज मैनी ईयर नाउ, सफिशियंट इंडिकेशन, बहुत से इंडिकेशन आपको पास मिल जाएंगे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी फेवर करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किस चीज़ का, एंटरप्राइजेस इन हायर एजुकेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट, मतलब प्राइवेट प्लेयर का रोल बढ़े उसमें. हाउ टू रिकनसाइल दिस पुश विथ नेसेसिटी ऑफ इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन इन नेगिंग क्वेश्चन. तो यहाँ पर अब जो पब्लिक है, पब्लिक क्योंकि ज़्यादा अफोर्ड तो कर नहीं सकती, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइस बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेंगी तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए. तो यहाँ पर वही है कि इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन इज नेगिंग क्वेश्चन. तो बराबर या समान जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक नग्न प्रश्न बन के सामने आएगा कि वो कैसे होगा. सिमिलर इज द, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो तो अपना लाभ देखेंगे. ठीक है, सिमिलर इज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमी और सीट, और एक क्वेश्चन ये भी है कि ऑटोनॉमी को लेकर भी है, अपने स्वायत्तता या अपनी जो स्वाधीनता को लेकर भी है. ठीक है, इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन फाइनेंशियल टर्म अलोन, और ये सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में व्याख्या नहीं की जा सकती, सिर्फ फाइनेंशियल टर्म के अंतर्गत. द मैनी डिफरेंट वे इन विच स्टेट हैव मेंटेन्ड देयर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कैन नॉट ऑल बी रिगार्डेड एज साइन ऑफ डाइफंक्शनल और फेलिंग सिस्टम. बहुत से ऐसे स्टेट और वो है राज्य जो अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो वो उनको आप इस हिसाब से नहीं देख सकते कि वो डाइफंक्शनल फेलिंग सिस्टम है या खराब सिस्टम है, उन्होंने बर्बाद कर रखा है या डिवाइड कर रखा है, पब्लिक सिस्टम में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते हो. इफ फेल्योर इज क्रिएशन फॉर चॉइस ऑफ रेमेडी, इफ फेल्योर इज द क्रिएशन फॉर चॉइस ऑफ रेमेडी, तो यहाँ पर अगर फेल्योर भी हुआ है तो एक चॉइस भी है उसके उपाय के लिए. ग्रेडेशन ऑफ फेल्योर विल हैव टू बी डिटरमाइंड फर्स्ट एंड देयर कॉज स्टडीज बिफोर द रेमेडियल स्टेप आर कॉन्टेम्पलेटेड. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो फेल्योर हुआ उसको आप ग्रेड करो कि आप कितने लेवल का फेल्योर हुआ, फिर उसके जो परिणाम है उनको देखो, और बाद में जब आप जो मतलब उपाय कर रहे हो या उसको मतलब ऐसे स्टेप उठा रहे हो कि उस चीज़ को क्या ओवरकम करना चाहिए, तो उन सभी कारणों का भी आप ध्यान रखो. टू एक्सेप्ट दैट वन साइज डज नॉट फिट ऑल एंड देन टू पुश एवरी फुट इनटू चूजन शूज टेक सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी पार्लेंस टू अ न्यू लेवल. तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक ही साइज हर जगह फिट नहीं हो सकती, और दूसरी बात जो भी आप आगे बढ़ा रहे हो, मतलब कदम बढ़ा रहे हो, तो वो जो भी है वो एक नए लेवल पर जाएगा, और वो आपको जो मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब आत्म विरोधाभासी ही होगा, आप जो भी मतलब कदम बढ़ाओगे ऐसे बगैर उसके, तो एक खुद के लिए एक आत्म विरोधाभासी की तरह काम करेगा. एट द स्कूल लेवल टू न्यू पॉलिसी प्रपोज अ पोस्ट RDI स्ट्रक्चर शिफ्ट. तो यहाँ पर जो स्कूल लेवल पर भी इस चीज़ का है कि जो नई पॉलिसी वो प्रपोज कर रही है पोस्ट RDI स्ट्रक्चर शिफ्ट को. इग्नोरिंग द फैक्ट दैट RTE itself हैज नॉट येट बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, और इस चीज़ को मतलब रिकोगनाइज नहीं कर रही है कि RTE अभी तक फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. इट इज़ यूजफुल टू रिकॉल दैट RTE वॉज ड्राफ्टेड विद प्रोलॉन्ग इन्वॉल्वमेंट विथ स्टेट नॉट मेयर कंसल्टेशन. तो यहाँ पर एक यूजफुल रिकॉल है किस चीज़ की, कि जो राइट टू एजुकेशन है वो ड्राफ्ट हो बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ, स्टेट के साथ, ना कि स्टेट की सिर्फ सलाह ली जाए, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो RTE के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर. द कंसेंसस फॉर सच अ लॉ वाज नॉट लेस डिफिकल्ट टू क्रिएट देन फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स कंटेंट. तो यहाँ पर जो कंसल्टेशन है वो ज़्यादा मतलब वो सहमति हो सकता बन जाए, लेकिन उसका जो फॉर्मुलेशन है
बनाना एक बहुत बड़ी बात होगी। अ वाइटल रोल वॉज प्ले बाय हाइएस्ट जुडिशरी इन पुशिंग पॉलिसी टूवर्ड रिकोगनाइजिंग चिल्ड्रंस राइट टू एट स्कूल रेदर देन एट वर्क। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था किसके द्वारा, हाईएस्ट जुडिशरी के द्वारा, कि पुशिंग पॉलिसी टू वर्ड की पॉलिसी को इस हिसाब से बनाया गया कि चिल्ड्रंस के राइट की रक्षा करे, स्कूल के राइट की रक्षा करे, बजाय इसके कि जो वर्क है उसके हिसाब से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करे। दिस वाज अ हिस्टोरिक सोशल टर्न टू वर्ड द ग्रेटर पैरिटी बिटवीन शार्पली इक्वल स्टार्टअप। और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा एक हिस्टोरिक टर्न था, सोशल टर्न था टूवर्ड गेटर ग्रेटर पैरिटी, मतलब बहुत बड़ी पैरिटी, मतलब संभाव या सामंजस्य बनाने का, किसके बिटवीन, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अनइक्वल स्तर बढ़ हो रहा है, चाहे इकोनॉमिक तौर पर हो, कास्ट बेस्ड पर हो, जो भी हो। इट माइट नॉट हैव बीन अकम्प्लिश्ड इफ सेंटर हैड नॉट प्ले एन असर्टिव रोल, और ये पूरा नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल एक दृढ़ रोल प्ले नहीं करता इसमें। Further progress of role called for continued financial support for implementation of RTI and policy guidance for proper use of this support to the regional disparity diminish. तो यहाँ इस चीज़ के लिए कि ये अच्छे से लागू हो, इसके लिए proper financial support और guidance मिलना चाहिए जो भी provincial level पर है या local level पर या राज्य सरकारों को, जिससे कि इन सब चीज़ों को मदद मिले और जो भी अलग अलग स्ट्राटा हैं या अलग अलग स्तर हैं सोसाइटी के हमारे, उन तक एजुकेशन सिस्टम पहुंचे। सो दिस इज द एंड टुडेज एडिटोरियल, एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।